ओके, तो आज एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसमें का जो जो क्वेश्चन है बना के आगे लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई निकालना है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन, एक्स बाई 3+1 को किसके बराबर कर देंगे, 5/3 की, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। दूसरा, वाई माइनस, मतलब उसी में दूसरा नहीं, वाई माइनस 2/3 का को 1/3 के बराबर कर लेंगे, यहाँ से वाई निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 3, 4, 5। एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें, सेट को मिडिल ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें 3 है, इसमें 5, 4, 3 है, उसमें नहीं बताया है कौन कौन है, सॉरी इसमें 3, 4, 5 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो हम लोग ए क्रॉस बी में जितना इसमें रहता है और जितना इसमें रहता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी इज इक्वल टू 7, 8, एच इतना, तो जी क्रॉस एच निकालिए। सिंपल है, जी में 7, 8 है, एच में हमारा 5, 4, 2 है, तो जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा, 7, 5, एक ऑर्डर पेयर, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, 8, 4 और 8, 2, ये 6 ऑर्डर पेयर का एक सेट है, यही है जी क्रॉस एच। उसी तरह एच क्रॉस जी, पहले एच वाला एलिमेंट आएगा 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7 और 2, 8, ये हमारा एच क्रॉस जी हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चौथा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो फिर से लिखिए उसको, ट्रू है तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पी एक सेट है एम एन, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है एम एन, क्यू में है एन एम, तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा, मतलब पी क्रॉस क्यू लिखा है एम एन और एन एम, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि P क्रॉस Q में क्या होगा। तो पहले P का एलिमेंट M, फिर Q का एक एलिमेंट N, फिर M M, फिर N N, फिर N M, यही होगा ना P क्रॉस Q, M N N N, सॉरी M N M M, ठीक है, N N N M, ठीक है। तो इसमें बोला है कि P क्रॉस Q में होगा एम एन और एन एम, जो कि गलत है, एम एम और एन एन कहाँ गया। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स था और उसको हम लोग ट्रू करके लिख दिए। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। हाँ, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। चौथा का दूसरा, हाँ, ए और क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, जो होगा एक्स वाई होता है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, सही तो है, ये सही है, दूसरा सही है। तीसरा स्टेटमेंट, इफ ए 1, 2 और बी 3, 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो जैसे ए 1, 2 है तो बी इंटरसेक्शन फाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई, ए क्रॉस फाई क्या होता है, फाई, तो ये फाई ही होगा। ए और बी अगर नहीं भी दिया जाता तो भी इस प्रश्न का जवाब तो फाई ही आना था, ए और बी कुछ भी हो, क्योंकि फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो फाई आता है, और फाई के साथ किसी का भी क्रॉस कराते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फाई ही आता है। ए और बी कुछ भी रहता, आंसर तो फाई ही आना था इसका, ठीक है। तो ये ट्रू है, दूसरा तीसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है। पांचवा, अगर ए माइनस वन वन है, ए जो है माइनस वन वन है, एक सेट है, सेट को मिडिल ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो ए क्रॉस ए निकालना है। तो हम लोग देखे थे ना चेन रूल, माइनस वन वन, फिर यहाँ से माइनस वन और वन, फिर यहाँ से माइनस वन और वन, यहाँ से भी माइनस वन और वन,
इसका भी निकालेंगे तो माइनस वन और वन, यहाँ से माइनस वन वन, यहाँ से माइनस वन वन, तो यहाँ से क्या क्या नियम निकला, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन, फिर माइनस वन वन माइनस वन, फिर माइनस वन वन वन, इसका हो गया। फिर इसी तरह से लिख लेंगे, ऊपर वाला लिख लिया ना, जैसे ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, उसी तरह से नीचे चार को है, चार को आ जाएगा आठ को, ठीक है। पांचवा छठा, एक एक क्रॉस भी दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो फाइंड ए, तो ए का पहला एलिमेंट जितना होगा तो ए हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का भी पहला एलिमेंट है तो नहीं लिखेंगे, बी है, तो ए हो गया हमारा ए बी और बी हो गया एक्स और वाई, ठीक है। छठा क्वेश्चन आसान है। सातवां, सातवां में है कि ए दिया हुआ है वन टू, बी दिया हुआ है वन टू थ्री फोर, सी दिया हुआ है फाइव और सिक्स, डी दिया हुआ है फाइव सिक्स सेवन एट, तो वेरीफाई करना है पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए तो ए है भैया, बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो हमारा हो जाएगा कुछ नहीं फाइव, और किसी के साथ फाई, फाई के साथ किसी का क्रॉस करने से फाई होता है, तो पहला हो गया। दूसरा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा, वन 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 टू वन थ्री वन फोर, टू वन टू 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 थ्री टू फोर, फिर ए क्रॉस सी में वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव, वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स, तो हमारे अंदाज से ये इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा। वैसे निकाल के करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल के देखेंगे, ठीक है ना, ये सब लेंदी टाइप है प्रश्न, समय जा रहा है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, वन 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 टू वन थ्री वन फोर, फिर टू वन टू 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 थ्री टू फोर, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस सी में है, सॉरी ए क्रॉस सी था वन फाइव वन सिक्स टू फाइव टू सिक्स, इसको लाइन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आप सोचने लगे कि ऊपर नीचे लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं, बड़ा लंबा हो जाता ना इसीलिए ऊपर नीचे लिख दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो ये फाइव, ठीक है, ये बराबर ये और ये बराबर फाइव, क्योंकि इनका बीच का में कोई कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाइव। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेवन क्लास सॉरी सातवां क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरा में कि ए क्या ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, मतलब ये स्टेटमेंट मतलब वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी तो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी देख रहे हैं ना कि ए वन फाइव वन सिक्स टू फाइव टू सिक्स है, ए क्रॉस सी निकालेंगे तो, और बी क्रॉस डी में वन फाइव आ रहा है वन सिक्स आ रहा है टू फाइव आ रहा है टू सिक्स आ रहा है, और ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में है, तो ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, सबसेट का यही ना है सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है, ए क्रॉस सी सबसेट हो गया बी क्रॉस डी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि लेट ए वन टू बी थ्री फोर, तो राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैव, तो ए क्रॉस बी का सारा सबसेट भी लिखना है, तो ए क्रॉस बी हम लिख दिए हैं वन थ्री टू थ्री वन फोर टू फोर, जितना भी ऑर्डर पेयर होता है सब सब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो लिख दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट बना दिए ए क्रॉस बी। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा, तो एक बात बताइए, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अगर किसी सबसेट में दो एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट होता है, टू का पावर जितना उसका नंबर है, अगर इसमें तीन आपको वन टू थ्री करके नहीं दिखाते हैं, हम ए बी सी करके दिखाते हैं, ठीक है,
ए बी सी तीन एलिमेंट है तो इसका कितना सबसेट होगा, 2 to the power 3। पीछे पढ़े हैं ना हम लोग, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू, अगर किसी सेट में, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, ए सेट में अगर एन एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट इन ए इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ सबसेट इन ए कितना होता था, 2 to the power n होता था ना। तो इसमें कितना नंबर है, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है। तो अगर हम मान लेते ए क्रॉस बी दिखते भी नहीं, तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो कितना एलिमेंट ए क्रॉस बी में, 4, 2 into 2 होता है। अगर इसमें 5 एलिमेंट रहता है, इसमें 3 एलिमेंट रहता, तो कितना एलिमेंट होता है, 5 3 15 एलिमेंट, सीधे मल्टीप्लाई करके निकलता है ना, ए पी इंटू क्यू। अगर किसी एम इंटू एन, अगर किसी सेट पी में एम एलिमेंट है और किसी सेट में एन एलिमेंट है, तो कितना ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो एम इंटू एन एलिमेंट, पढ़े हैं पीछे। तो इसी तरह 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें, तो 4 एलिमेंट तो होगा, 2 into 2 4। ऐसे हम लिख के भी देख लिए, 4 ही एलिमेंट है। और उसमें कितना होगा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 4, 16। अब बोला है लिस्ट देम, अब सबको लिखने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सबसेट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे फाई आ गए सबसे पहले, उसके बाद इस एक एलिमेंट है 1 3, इस सेट का एक एलिमेंट है, तो इसका एक सबसेट, फिर 1 4 इसका ये एक सबसेट, फिर 2 3 घेर के और ये एक सबसेट, और क्या 2 4, अभी तो इंडिविजुअली सबसेट बना। अब दो दो ले लेते हैं, 1 3 और 1 4 मिलाकर एक सबसेट, फिर 1 3 और 2 3 मिलाकर एक सबसेट, फिर 1 3 और 2 4 मिलाकर एक सबसेट, फिर 1 4 और 2 3 मिलाकर एक सबसेट, फिर 1 4 और 2 4 मिलाकर एक सबसेट, फिर 2 3 और 2 4 मिलाकर एक सबसेट, फिर 3 3 का बनाते हैं, 1 3 1 4 और 2 3 का एक सबसेट, फिर हे भगवान बहुत ज़्यादा, 16 वो बनने वाला है ना, फिर 1 3 1 4 2 3 हो गया, 1 3 1 4 2 4 ये 3 वो का, फिर 1 3 2 3 2 4, मैं मतलब 16 को लिख देना है, 16 को सबसेट होगा ना भाई। जैसे देखो, ध्यान से देखो भाई, कि एक सेट है पी जिसका 4 एलिमेंट है जिसमें, तो इसका कितना सबसेट होगा। उसी तरह ये है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो 2 to the power 4, इसमें भी 2 to the power 4। तो सबसे पहले तो 5, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इसी तरह ऊपर हम लोग लिखें सारे एलिमेंट को घेर घेर कर सेट बना बना के, फिर ए बी ऐसे घेरेंगे क्योंकि इसमें घेरा हुआ नहीं ना पहले से, फिर ए सी, फिर ए डी। तो उसी तरह देखो, 3 को यहाँ भी हुआ था, 3 1 2 3 ऊपर लिखे थे, इसमें भी 2 2 का 3 2 का बना ए से। तो इस तरह 16 एलिमेंट इसमें भी होगा, क्योंकि इसको लिखना आसान है क्योंकि इसमें छोटा छोटा एलिमेंट है, इसका बड़ा बड़ा एलिमेंट है ना, तो इसको 16 को लिखना बहुत मुश्किल है। लिखा तो जा ही सकता है, अभी तुरंत लिख देंगे, लेकिन लेंदी है, तो आप लिख लीजिएगा, हैं आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो और ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, x1 y2 z1 डॉट डॉट, और भी एलिमेंट है लेकिन 3 ही दिया गया, आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ये सब हैं, खाली यही है, ये नहीं बोला है कि ये सब भी हैं ए क्रॉस बी में। तो बताइए कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो ए तो हमारा x y z हो गया भाई, पहला एलिमेंट। बी क्या हो गया, 1 2 दूसरा एलिमेंट है ना, क्या बोलता है, हाँ फाइंड ए एंड बी, तो ए एंड बी निकल गया, आसान है ना। फर्स्ट एलिमेंट एक्स ए का होता है, सेकेंड एलिमेंट बी का होता है,
ठीक है, अब वन टू वन नहीं लिख देंगे इसमें, वन टू वन दो, दो एक ही अगर एलिमेंट दो बढ़ाए तो उसको एक ही बार लिखते हैं सेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स एमोंग विच आर फाउंड -1 0 0 1। ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है और फिर -1 0 और 1 0 उसके कुछ एलिमेंट है ए क्रॉस ए के, बाकी और भी एलिमेंट होंगे लेकिन -1 9 को और एलिमेंट, 7 को और एलिमेंट होगा, 2 को दिया हुआ है ये है। तो बाकी फाइंड, पहले तो सेट ए निकालिए और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकालिए, क्वेश्चन है, बचा हुआ 7 को जो है वो निकालिए। तो एक बार बताइए कि ये जो एलिमेंट है ये किसका है, ए का, और ये 0 भी ए का, मतलब ए के ही एलिमेंट है। तो ये जितने एलिमेंट है ए क्रॉस ए में है, अब जैसे बी रहता तो पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, लेकिन पहला एलिमेंट भी है दूसरा एलिमेंट भी ए क्रॉस ए है ना, तो इसका सारा एलिमेंट ए का है। और ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, मतलब कहने का ए में 3 है, ए में 3 है, 3 3 3 9, ऐसा थोड़ी है कि इसमें 9 का कुछ और प्रोडक्ट होता तो इसमें 4 और 3, मतलब ए एक ही है ना, सेम सेम नंबर है, तो सेम सेम नंबर मिलकर मल्टीप्लाई होकर 9 कौन किस में आता है, सिर्फ 3 × 3 ही 9 हो सकता है ना, यानी कि ए में 3 एलिमेंट है। तो ए में 3 एलिमेंट है तो, और ये जितने भी एलिमेंट है वो ये डिस्टिंक्ट करके अलग अलग वो एक ही है, तो -1 0 1, -1 भी ए का ही एलिमेंट है, 0 भी ए का ही एलिमेंट है, 1 भी ए का ही एलिमेंट है, 0 भी 1 का एलिमेंट है, ए का ही एलिमेंट है, इसका मतलब -1 0 1 ए के एलिमेंट है। अब ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, -1 0, एक और बार ए लिख देते हैं ताकि हमको ए क्रॉस ए लिखना आसान हो, ए क्रॉस ए अब लिख देंगे, -1 -1 -1 0 -1 -1 सॉरी -1 1, फिर 0 -1, फिर 0 0, फिर 1 -1, सॉरी 0 वाला चल रहा है ना, 0 1, अब फिर 1 -1, 1 0, फिर 1 1, ये हमारा 9 एलिमेंट है, उसमें से 2 को -1 0 ये दिया हुआ था, 1 0 ये दिया हुआ था, बाकी से 7 को ये हैं, आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन, स्टार्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन है, कंसीडर द टू सेट्स पी ए बी सी एंड क्यू, अली भानु बिनोय बिनोय चंद्रा एंड दिव्या, द कार्टिजन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू हैज 15 ऑर्डर पेयर विच कैन बी लिस्टेड एज पी क्रॉस क्यू ए अली ए भानु ए विनय ए डॉट डॉट सी दिव्या तक, ठीक है। वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू बाई इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, एक्स वाई एज आर द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, अब एग्जाम्पल ये समझिए, ए बी सी दिया हुआ था, अली भानु विनोद चंद्रा दिव्या, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल पी 1 2 है, क्यू ए बी है, तो पी क्रॉस क्यू बी क्यू को हम कैसे लिखते हैं, 1 A 1 B 2 A 2 B, हाँ 1 A 1 B 2 A 2 B, तो इसको ऐसे भी, तो और इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें 1 2 A B, तो 1 का A 1 का B, फिर 2 का A 2 का B, हाँ ऐसे ऐसे मिला दिए, ठीक है, डी डायग्राम के द्वारा दिखा दिए। तो उसी तरह अगर हम इसको दिखाएं पी क्यू को जो ऊपर वाला है, तो कैसे दिखेंगे, जैसे देखिए जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ए बी सी है, अली भानु विनोद चंद्रा और दिव्या है, तो पी क्रॉस क्यू अगर हम लोग लिखें पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू में क्या होता है, ए अली ए भानु ए विनोय ए चंद्रा ए दिव्या, फिर बी अली बी भानु बी विनोय बी चंद्रा बी दिव्या, फिर सी अली सी भानु सी विनोय सी चंद्रा और सी दिव्या, ये इतना सारा हमारा पी क्रॉस क्यू का एलिमेंट होगा, इतना सारा, ठीक है।
कौन कौन, ए अली, ए भानु, ए विनो, ए चंद्रा, ए दिव्या, बी अली, बी विनोद, ये सब हमारा पी क्रॉस क्यू का सारा एलिमेंट होगा, सारा जितना ऑर्डर पेयर है पी क्रॉस क्यू का। उसमें से रिलेशन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वी कैन नाउ, अब उसमें से क्या किया गया, वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू का कुछ सबसेट निकाला गया, ये पी क्रॉस क्यू सारा पी क्रॉस क्यू है, सारा पी क्रॉस क्यू हम लिख दिए, ऐसे लिखे तो नहीं है बस हम दिखा दिए कैसे कैसे होगा, ए अली, ए बानो, ए बिनो, रे डायग्राम से। तो वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट पी क्रॉस क्यू टू इंट्रोड्यूस अ रिलेशन आर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड द सेकेंड एलिमेंट वाई। अब इस तरह से कुछ रिलेशन डिफाइन किया गया। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या किया गया कि एक रिलेशन बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है समझना। वो ऑर्डर पेयर हम उठाएंगे, कहा जा रहा है वो ऑर्डर पेयर उठाएंगे एक्स एंड वाई, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ये क्या हुआ रिलेशन आर, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, ये क्या है ऑर्डर पेयर, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, ऑफ द नेम वाई, ठीक है, जहां पे एक्स पी से बिलोंग करेगा और वाई बिलोंग करेगा क्यू से। ये हमारा रिलेशन का एक डाटा तैयार, मतलब एक बेस बोला गया कि ऐसे इस आधार पे आप एक इस तरह से एक रिलेशन तैयार किया गया कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। तो इस रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर पेयर आएंगे, ए का सिर्फ अली आएगा, ए से तो भानु भी है, ए विनोय, ए चंद्रा, ए दिव्या, ये सब भी ऑर्डर पेयर में है, लेकिन हमको ए और अली ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, वो एलिमेंट लेना है जहां पे वाई का जो नाम हो उसका फर्स्ट लेटर ही ए पे हो। तो ये तो यही है, अगर हम भानु लेंगे तो यहां बी वाला लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, और बी से लिए तो बी से हमारा भानु होगा, हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आर में, ये आर में आएगा, जैसे ऐसे 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 ध्यान से देखिए, ए अली बिलोंग करेगा आर में, एकदम सही बात है, ए भानु ये आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वाई एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई नहीं ना है, एक्स इज द ये एक्स, ये एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई नहीं ना है, इसलिए ये नहीं होगा। हाँ बी भानु चलेगा, ये बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, उसके बाद बी बिनोए भी चलेगा, बी बिनोए भी आर में बिलोंग करेगा, करेगा है ना, फिर बी चंद्रा नहीं करेगा, बी के साथ तो चंद्रा, बी चंद्रा भी हमारा एक पी क्रॉस क्यू में आता है ना, बी चंद्रा, बी विनोय, बी दिव्या, बी भानु, बी अली, सब आएगा पी क्रॉस क्यू में, लेकिन आर में नहीं आएगा, आर में सिर्फ बी बी भानु और बी विनोय आया, बी चंद्रा नहीं आया, बी दिव्या भी नहीं आएगा, ठीक है। सी से देखते हैं, सी से सिर्फ कौन आएगा, सी से सी चंद्रा आएगा, समझ, अगर सी दिव्या कोई कहे कि आएगा तो नहीं आएगा, सी अली आएगा नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर नहीं है, ये सब नहीं आएगा ना, ये आएगा, कौन कौन चार एलिमेंट आया, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, यही चार एलिमेंट होंगे रिलेशन आर में। मतलब कि रिलेशन क्या होता है, एक फिक्स कर देता है, एक 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 नियम बना दिया जाता है, उसका नाम है रिलेशन, एक रिलेशन तय कर दिया जाता है और वही ऑर्डर पेयर छाटते हैं। ऑर्डर पेयर तो इसमें कितना होगा, पाँच और तीन, पाँच से 15 वो ऑर्डर पेयर निकला, उसमें से ही कुछ कुछ सिर्फ चुना गया, यानी कि ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है क्या रिलेशन। तो चलिए रिलेशन का डिफिनीशन समझते हैं हम लोग, समझ में आया ना ये चीज़ पूरा, अब रिलेशन का डिफिनीशन समझना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देन आर इज द ए अली, बी भानु, सी बी विनोय, सी चंद्रा, ठीक है, तो आर में यही सब आए,
तो अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन इज कॉल्ड एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम के जरिए इसको दिखाना हो तो हम बगल में दिखा दें। ये देखिए, ए का सिर्फ किससे हुआ? अली के साथ, बी का भानु और बिनोय के साथ, और सी का चंद्रा के साथ। और किसी का किसी से नहीं ना होगा, बी का दिव्या से नहीं होगा, बी का चंद्रा से नहीं होगा। तो ये हमारा पी क्रॉस क्यू का एक रिलेशन हो गया आर के तहत, ये आर के तहत जुड़ा है। ठीक है, तो डिफिनीशन टू, पहला डिफिनीशन इस चैप्टर का क्या था? ऑर्डर पेयर का डिफिनीशन, और नहीं ऑर्डर पेयर नहीं, कार्टिजन प्रोडक्ट का, जो कि डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए, बार बार बोलते हैं डिफिनीशन याद होना चाहिए। डिफिनीशन टू, अ रिलेशन आर फ्रॉम अनएम्प्टी सेट ए टू अनएम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टिजन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टिजियन रिलेशन जो होता है वह कार्टिजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। भाई सबसेट ही ना है ये जो नीचे निकला, ये जो नीचे आया, ये इसका सबसेट है ना, इतना सारा 5 से 15 इसमें ऑर्डर पेयर था, 15 ऑर्डर पेयर में से 4 को निकल के आया सामने। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सबसेट ही है। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। तो यही डिफिनेशन है कि रिलेशन आर फ्रॉम अन एम्प्टी सेट ए टू अन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। डिफिनेशन आप अच्छा से याद रखिए, समझने तो सही बात है, डिफिनेशन को समझना ही चाहिए, प्लस में पूरा एग्जैक्ट याद भी होना चाहिए। वो द सबसेट इज डिराइव बाई, हाँ अब देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अन एम्प्टी सेट एन ए सेट टू अन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिराइव बाई डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। द सबसेट इज डिराइव बाई डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट, अब देखिए वो सबसेट इस तरह से होगा कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ रिलेशन होगा उनके बीच में, इस तरह से डिराइव होगा। ठीक है ना, रिलेशन जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगा। ठीक है ना, इस तरह से वो डिराइव होगा। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। सेकेंड एलिमेंट को क्या कहते हैं? इमेज। मतलब रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, और सबसेट भी है, सिर्फ सबसेट नहीं है, सबसेट भी है, और फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में क्या होता है? कुछ रिलेशन भी होता है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है? अली जो है वह ए का इमेज है, अली जो है वह ए का इमेज है, भानु जो है वह बी का इमेज है। तो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब डिफिनेशन थ्री क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सारे फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सारे फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, नहीं सर, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, द सेट, डिफिनेशन फोर है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। और जो भी सेकेंड एलिमेंट में जो रिलेशन से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं रेंज। अली जैसे रेंज में है, बिनोय, बिनोय, भानु, चंद्रा, ये सब रेंज में है, दिव्या रेंज में नहीं है। दिव्या रेंज में नहीं है क्योंकि वो किसी रिलेशन से जुड़ी हुई नहीं है किसी के साथ, पी के किसी एलिमेंट से दिव्या रिलेशन में नहीं है, तो दिव्या रेंज में नहीं है। वो किस चीज में है फिर? द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। ये पूरे सेट को कोडोमेन बोलेंगे। तो दिव्या कोडोमेन है लेकिन दिव्या रेंज में नहीं है, कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नोट दैट रेंज जो होता है वह सबसेट होता है, रेंज जो होता है वह सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का, क्योंकि रेंज इसी कोडोमेन में से ही होगा ना। ठीक है, या तो सबसेट होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है ना, अब रिमार्क्स है तो समझ में आया, ये सारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? डोमेन, पूरा सेकंड एलिमेंट कोडोमेन, और जो जो रिलेशन में है वो रेंज। अब डिफिनीशन फोर हो गया, रिमार्क्स। और रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली आइदर बाय अ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है या सेट बिल्डर मेथड की फॉर्म में। जैसे यहाँ ही देख लिए, ये रिलेशन जो था वो किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और नीचे जो लिखे हैं ए अली, बी 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 भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, ये क्या है? ये रोस्टर फॉर्म में हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। दोनों तो एग्जाम्पल हैं ये नीचे। ठीक है,
दूसरा है एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। और ये जो एरो डायग्राम है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखता है रिलेशन का। ठीक है, अब एग्जांपल सेवन, क्वेश्चन एग्जांपल सेवन बोल रहा है कि ए एक सेट है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए पे एक रिलेशन आर दिखाना है, ए टू ए पे एक रिलेशन आर डिफाइंड है इस तरह से, एक्स वाई द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से दिखाना है। तो क्या करेंगे, ए यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी ये लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए टू ए पे ही है ना। तो अब वन लेंगे तो टू पे जाएगा ना, अगर यहाँ वन लिखेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, वन प्लस टू, वन प्लस वन टू, यहाँ एक्स टू लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, तो यहाँ टू लेंगे तो यहाँ थ्री हो जाएगा, थ्री लेंगे तो फोर, फोर लेंगे तो फाइव, फाइव लेंगे तो सिक्स, ये छोटा रह गया, सिक्स के लिए कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 और 5 डोमेन। हाँ एक बार बताइए, डोमेन में क्या बोला था, कि सारा सेट ए का होगा या जो रिलेशन से जुड़ा होगा वो होगा। डोमेन क्या था, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर, जो रिलेशन आर में हो, इन सारा फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन आर में हो। ठीक है, तो रिलेशन आर में हमारा सिक्स नहीं है ना, फर्स्ट एलिमेंट का सिक्स रिलेशन आर नहीं ना, रिलेशन में कौन कौन है फर्स्ट एलिमेंट का, 1 2 3 4 5, तो डोमेन में सिर्फ 1 2 3 4 5 रहेगा, सिक्स नहीं रहेगा। रेंज में जो रिलेशन आर में हो सेकेंड एलिमेंट, तो उसमें क्या है, 2 3 4 5 और 6। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में होता है कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। कोडोमेन क्या था, द होल सेट वी इज कॉल्ड द कोडोमेन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, द होल सेट वी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, ऑफ द रिलेशन आर, बाद में बोला ऑफ द रिलेशन आर, ये नहीं बोला कि द सेट ऑफ द होल सेट बी इन रिलेशन आर, मतलब बी का वो जो रिलेशन आर में हो उसको तो रेंज बोलते हैं, लेकिन सारे सेट बी को क्या बोलते हैं, जो इधर वाला सेट है उसके पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में हमारा 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। ठीक है, सारा सेट इधर वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल 8 कह रहा है कि फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू, सेट पी एंड क्यू में कुछ रिलेशन दिखाया गया है, राइट दिस रिलेशन, वो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए और रोस्टर फॉर्म में भी लिखिए। तो सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना के लिए बोला है, रिलेशन आर को पी क्रॉस क्यू, पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन है, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, ऐसे नहीं लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सच दैट। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 9 से 3 और माइनस 3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 9 का क्या स्क्वायर रूट है 3 और माइनस 3, नहीं, 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 3 दोनों होता है। हाँ 9 का अगर ऐसे पूछे कि ये क्या होगा तो सिर्फ 3 होता है, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट पूछे तो 3 और माइनस 3 दोनों होता है, तो सही है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x, y जो है y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x, या एनसीईआरटी में ऐसे भी लिख दिया है कि x इज द स्क्वायर ऑफ y, ये भी तो चलेगा, दोनों में से कोई चलेगा, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ x भी चलेगा। हाँ याद रखिएगा, कोई आपसे बोलता है कि अगर स्क्वायर रूट सिर्फ 9 का स्क्वायर रूट सिर्फ 3 होता है तो ऐसा नहीं है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 3 दोनों होता है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो हम आपको पेज नंबर सब चीज़ बता देंगे 9th क्लास का, वहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और माइनस 3 दोनों होता है, लेकिन 9 का अगर ऐसे पूछे कि इसका वैल्यू कितना होता है तो इसका वैल्यू सिर्फ 3 होता है, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, लेकिन जनरली इसको बोल देते हैं 9 का स्क्वायर रूट, लेकिन ये असल में है 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। और अगर आपसे मुंह से पूछ दे कि ऐसे
ओरली पूछ दे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 एन माइनस 3 बोथ, ठीक है। तो इस तरह हो गया, तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ, और रोस्टर फॉर्म में बोले तो रोस्टर फॉर्म में तो सिंपल है, 9 का वैल्यू है 3 से, फिर 9 है जुड़ा हुआ है माइनस 3 से, फिर 4 जुड़ा हुआ है 2 से, फिर 4 जुड़ा हुआ है माइनस 2 से, फिर 25 जुड़ा हुआ है 5 से, फिर 25 जुड़ा हुआ है माइनस 5 से। ये हमारा हो गया क्या चीज रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। 8, अब बोला है कि व्हाट इज दिस डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन एंड रेंज बोला है, तो डोमेन तो सिंपल है, डोमेन हमारा 9, 4, 25, जो फर्स्ट एलिमेंट जो आर से जुड़ा हुआ हो। रेंज बोला है, रेंज तो सेट बी का वो एलिमेंट जो जुड़ा हुआ हो, 5 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 5, 1 नहीं जुड़ा हुआ है। रेंज बोलता तो इसमें सारा एलिमेंट आ जाता, 1 भी शामिल हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है द टोटल नंबर, नोट है एक कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ भाई, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, अब इसमें टोटल रिलेशन कितना होता है, जितना कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ए में एन एलिमेंट है, ए में एम एलिमेंट है, इसको अच्छा से लिखते हैं अगर ऐसे, तो ऐसे लिखेंगे कि एन ए में, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एम है। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में एन इंटू एम एलिमेंट होंगे, ऐसे ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होंगे, एन इंटू एम एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी में एन इंटू एम एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इन ए टू बी। तो एक बार बताइए, पॉसिबल रिलेशन क्या होता है, एन इन एन क्रॉस एम मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ए क्रॉस बी का कितना सबसेट हो सकता है। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो इसका कितना सबसेट हो सकता है, 2 का पावर 5, पढ़े है ना। तो इस ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, एन इंटू एम, तो इसका कितना सबसेट हो सकता है, 2 टू द पावर n इंटू एम, मतलब एन एम, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 2 द पावर n m हो सकता है। अब उसी में से जो जो रिलेशन होगा वो होता है, ठीक है, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नाइन आसान है। एक सेट ए है 1, 2, सेट को इस तरह दिखाते हैं, बी है 3, 4। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होगा, 2 इंटू 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, ठीक है। और रिलेशन लास्ट में ये हो गया, एग्जाम्पल लाइन हो गया, लास्ट में एक रिमार्क है, और रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज ऑल्सो स्टेटेड रिलेशन ऑन ए। ए टू ए को जो में रिलेशन होता है आर, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन ए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। एक्सरसाइज 2.2 अगले क्लास में, और फिर अगले क्लास में फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, धन्यवाद।